गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो हमारा इंग्लिश और हिंदी मीडियम का क्लास 12 का टॉपिक है आज का, वो है इरीगेशन, सिंचाई। यानी सिंचाई जो चैप्टर है आज का, इसको हम ऑनली थोड़ा इंट्रोडक्शन के, यानी उसका परिचय है वो देखेंगे, वो समझे आज थोड़ा, यानी कि हमारे को इरीगेशन क्यों आवश्यक है, इरीगेशन सिंचाई वो कैसी जगह पर करनी चाहिए, कैसी जगह पर नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इसके बाद जो भी होगा वो इंट्रोडक्शन आ लेते हैं सिंचाई के बारे में। समझो, अगर हम आज के उसमें युग में हमारे को जो समझो, अगर कृषि से उत्पादन लेना है, कृषि उत्पादन लेना है तो सिंचाई आवश्यक है, सिंचाई आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंस है सिंचाई की। आज अगर हमारे को उत्पादन लेना है, समझो कैसे, अगर किसी किसान ने उसने अपने खेत में गेहूं की फसल बोई, समझो गेहूं की फसल बोई, अगर उसमें टाइमली बरसात नहीं होती है, बरसात नहीं होती है समय पर, ओके, तो जो गेहूं की फसल बोई है अगर इसमें बरसात के अनुसार पानी नहीं मिल रहा है तो गेहूं की फसल सूखेगी, क्योंकि उसके लिए तो उसमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी ना। अगर पानी की आवश्यकता पड़ेगी और वो बरसात से नहीं मिल रहा है तो हमारे को जो किसान ने गेहूं की फसल बोई है उसके लिए पानी उपलब्ध कराना पड़ेगा, ओके। अगर पानी उपलब्ध नहीं कराएंगे तो गेहूं की फसल बोई है किसान की वो सूख जाएगी, ओके। अगर गेहूं की फसल सूख गई तो हमारे को हमने उत्पादन कृषि का उत्पादन है वो प्राप्त नहीं होगा, गेहूं का उत्पादन नहीं प्राप्त होगा। अगर गेहूं को सूख जाने देंगे हम, जो गेहूं की फसल बोई है उसको बर्बाद कर देंगे हम, अगर उसमें टाइमली हमने सिंचाई का पानी है कृत्रिम रूप से पानी दे रहे हैं हम, अगर उसमें पानी नहीं दिया गेहूं की फसल पूरा तो बर्बाद हो जाएगी, एंड जो हमारे लिए भोजन वगैरह है वो नहीं मिल पाएंगे, ओके। तो इससे पता चलता है हमारे को जो सिंचाई है वो कृषि उत्पादन के लिए कितना महत्वपूर्ण अंग है, ओके। कभी तुमने सुना है रेगिस्तान में सिंचाई कर रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों नहीं सुना, क्योंकि जो रेगिस्तान है वहां पे हम कृषि उत्पादन नहीं कर सकते, कृषि उत्पादन ही नहीं कर सकते तो वहां पर सिंचाई क्यों करेंगे, क्लियरली। एंड जो हमारे को कृषि उत्पादन जहां पे भी कर रहे हैं वहां पे हमारे को सिंचाई करनी ही पड़ेगी, अगर कृषि का उत्पादन ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो बरसात है ये टाइम पे नहीं होती है, ओके। और सिंचाई है, सिंचाई क्या है, सिंचाई वही है नॉर्मली कोई भी फसल बोई हमने, अगर उसमें जो उसकी नमी की मात्रा है खेत की, उसकी नमी या मृदा की नमी की मात्रा है उसको बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से पानी देना क्या है सिंचाई, ओके। एंड सिंचाई है जिसके अंतर्गत हम कृषि उत्पादन हमारे को प्राप्त हो रहा है उसमें सिंचाई की इंपोर्टेंस जो महत्वपूर्ण योगदान है, ओके। तो इसके अंतर्गत आगे आता है, जो इसके अंतर्गत आगे आता है वो है, हम सब जानते हैं कि विश्व में लगातार पानी की कमी होती आ रही है, लगातार पानी की जो स्रोत है वो गिरते हुए जा रहे हैं, यानी कि बहुत सी जगह तो ऐसी हो गई है जहां पे जो पीने वाला पानी है वो भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, ओके। अगर खेती के लिए पानी की उपलब्धता नहीं होगी तो हम कृषि का उत्पादन नहीं कर सकते, क्लियर। हमारी इतनी वो रहती है कि वो पानी की बूंद है उसका भी अच्छे से सदुपयोग करें, जिससे जो पानी का सदुपयोग हो
हो रहा है वो पानी वेस्ट नहीं जाए। क्लियर, ये तो हो गया इरिगेशन के लिए। तो इरिगेशन में हमारे को क्यों आवश्यक है एवं जो पानी पानी है उसको कृषि की सिंचाई के लिए आवश्यक है। क्लियर, अब देखते हैं सिंचाई की डेफिनेशन, यानी सिंचाई किसे कहते हैं। समझो एक ही लाइन है, यानी कि कोई भी पादप है उसकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि जैसे वीट है, वीट का वीट है, वीट की फसल के लिए 450 से 500 एमएल वाटर की जरूरत होती है, ठीक है, मिलीलीटर। अगर जो उसके वाटर की अगर उसकी जरूरत है उसको अवेलेबल कराना पड़ेगा। ओके, या तो सिंचाई की परिभाषा क्या है प्रॉपर सुनो, पादप की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी की मात्रा को बनाए रखने के लिए या नमी की मात्रा हेतु कृत्रिम रूप से पानी देना ही सिंचाई है। ओके, समझो जैसे कोई भी फसल है उसमें, जैसे किसी फील्डिंग कोई भी फसल है उसके अंतर्गत हम वाटर दे रहे हैं, पानी की उसकी जो आवश्यकता है उसकी पानी की, उसकी पूर्ति कर रहे हैं कृत्रिम रूप से जिसके कारण जो मृदा है, मृदा में पाई जा रही है नमी की मात्रा पाई जा रही है वो बनी रहे। अगर नमी की मात्रा बनी है उसमें बनी हुई है तो जो प्लांट्स है पादप है वो वृद्धि करेगा, और वृद्धि कर रहा है तो सिंचाई। ओके, यानी समझो यानी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है ना प्लांट्स के लिए वो पूर्ति हो रही है, उसकी पूर्ति हम आर्टिफिशियल रूप से कृत्रिम रूप से जो मृदा में नमी की मात्रा है उसको खत्म नहीं होने दे रहे हैं। अगर उसकी नमी की मात्रा को खत्म नहीं होने देंगे तो उसमें जो प्लांट्स की वृद्धि के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको उतना वाटर मिल जाएगा। अगर उसको वाटर मिल रहा है तो जो प्लांट्स में पौधों में वृद्धि हो रही है वो प्रॉपरली होगी, वही हमारी सिंचाई। क्लियर, एंड जो इससे आइडिया आता है सिंचाई क्यों कर रहे हैं, यानी सिंचाई से क्या क्या लाभ है। फर्स्ट लाभ मैंने ये बता दिया है वो है कृषि उत्पादन के लिए, यानी अगर हमारे को कृषि का उत्पादन लेना है तो सिंचाई आवश्यक है, सिंचाई आवश्यक है सबसे मेन इंपोर्टेंट है। अगर कृषि का सेकंड पॉइंट तो जब आएगा, अगर कृषि का उत्पादन ही नहीं लेना है हमारे को, समझो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था किसका, मैंने एग्जाम्पल दिया था रेगिस्तान का। अगर रेगिस्तान में कृषि का उत्पादन ही नहीं ले रहे हैं हम तो वहां पे सिंचाई की आवश्यकता होगी ही नहीं। ओके, जो उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट आते हैं वो तभी आएंगे जब हम कृषि का उत्पादन लेंगे। अगर कहीं पर कोई भी फसल बो रहे हैं तभी तो हम सिंचाई की आवश्यकता होगी हमारे को। क्लियर, एंड इसके उद्देश्य हैं एवं उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब पढ़ते हैं हम जो सिंचाई है इसके उद्देश्य क्या क्या है। ओके, उद्देश्य सिंचाई के उद्देश्य, तो फर्स्ट उद्देश्य वो तो मैं डिस्कस कर चुका हूं कि कृषि उत्पादन
ओके ये डिस्कस कर चुका हूं। ये जो सिंचाई चैप्टर है ये पूरा समझने का चैप्टर है, जिसके समझ में आ गया इसको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोल रहा हूं जो सिंचाई चैप्टर है ये पूरा समझने का चैप्टर है, एक बार जिसके समझ में आ गया इसको ओनली 10 मिनट लगेंगे बाद में पढ़ने के लिए पन्ने पलटने। ओके इसलिए जोड़ दे रहा हूं जो सिंचाई है इसको अच्छे से समझ लेना, और बता रहा हूं एक एक बार उन पर थोड़ा ध्यान से सुनना। ओके एंड फर्स्ट हो गया इसका, कृषि उत्पादन के लिए सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। एंड जो इसका सेकंड पॉइंट है सिंचाई के द्वारा जो हमने फसल बोई है, उसको पाले से बचा सकते हैं। समझो कैसे, जब सर्दियां यानी जो सर्दियां पड़ती है ना, तो सर्दियां बहुत तेज पड़ती है, जब पाला पड़ता है सर्दियां, ओके उस टाइम पे हम हल्की सिंचाई कर देंगे तो क्या होगा, जैसे ही फसल के अंतर्गत हम हल्की सिंचाई करेंगे तो उसमें जो रूट्स होंगी यानी कि रूट से और जो सॉइल है, सॉइल का टेम्परेचर यानी वातावरण का टेम्परेचर गिरेगा। अगर वातावरण का टेम्परेचर गिर रहा है, वातावरण का तापमान गिरेगा, ओके जैसे ही हम हल्की सिंचाई कर रहे हैं फसल की तो जो मिट्टी गिरता है उसका तापमान इंक्रीज होगा। तापमान बढ़ेगा क्यों, क्योंकि जो हम सिंचाई दे रहे हैं यानी हम कृत्रिम रूप से उसमें पानी दे रहे हैं फसल के अंतर्गत, तो उस पानी का तापमान रहेगा वो ज्यादा रहेगा। ओके जैसे ही पानी का तापमान ज्यादा रहेगा तो ये तापमान होगा टेम्परेचर होगा, तो जैसे ही वातावरण का टेम्परेचर गिरा जो हम पानी दे रहे हैं फसल में उससे मिट्टी का तापमान यानी मृदा का तापमान इंक्रीज होगा, तो जो टेम्परेचर होगा वो लेवल में आ जाएगा। ओके इससे ऐसे यानी इस पॉइंट के अनुसार हम सिंचाई से जो पाला पड़ता है उससे हम हमारी फसल को बचा सकते हैं। हमारे को हेवी इरिगेशन नहीं करना, भारी मात्रा में पानी नहीं देना है। अगर भारी मात्रा में पानी देंगे हम तो जो दिन के अंतर्गत जैसे ही दिन के अंतर्गत टेम्परेचर बढ़ेगा एंड जो तापमान मतलब वातावरण का तापमान दिन के अंतर्गत बढ़ रहा है और जो मिट्टी का टेम्परेचर जो बढ़ेगा तो उससे जैसे ही तापमान वातावरण का बढ़ रहा है एंड जो मिट्टी का तापमान है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हम उसमें पानी दे रहे हैं, कृत्रिम रूप से पानी देना ही सिंचाई है, कृत्रिम रूप से हम पानी दे रहे हैं तो मिट्टी का टेम्परेचर बढ़ेगा जिससे जो उसमें प्रभाव पड़ते हैं हमारी फसल पर वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ता है। ओके एंड जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें वो है जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है, समझो जैसे फसल में जो फसल है हमारी वो थोड़े टाइम के लिए जैसे ही वातावरण में अगर बरसात नहीं हो रही है, अगर बरसात नहीं होगी तो सूखा पड़ेगी एक तरीके से, वो होगी यानी अल्पावधि थोड़े समय के लिए सूखा पड़ेगी, अगर पानी की जो मात्रा है वो जैसे ही सॉइल की जो मृदा है मृदा में नमी की मात्रा खत्म होगी तो सूखे की मतलब अल्पावधि में छोटे समय के लिए सूखा पड़ रहा है उसको हम सिंचाई से दूर कर सकते हैं। थर्ड उद्देश्य
में प्रेजेंट है लवण, साल्ट प्रेजेंट है सोइल, तो सिंचाई के द्वारा ये तो हमारे पता है जो लवण रहते हैं ना, लवण रहते हैं वो वाटर में घुलनशील रहते हैं, जल में घुलनशील रहते हैं, जल में घुलनशील होंगे। ओके, जैसे ही जो उसके अपने एयर में जो लवण है वो पाए जा रहे हैं, तो वो वाटर में घुल के नीचे पहुंच जाएंगे लीचिंग के द्वारा, एंड जैसे ही लीचिंग के द्वारा पहुंचेंगे नीचे, तो प्लांट्स हैं जो फसल के प्लांट्स हैं, जो भी हमने क्रॉप सोइंग की है उसके प्लांट्स हैं, जो लवण से पानी के द्वारा नीचे पानी में घुल के लीचिंग के द्वारा नीचे पहुंचे हैं। ओके, नीचे पहुंचे हैं तो वो जो लवण रहते हैं वो क्रॉप्स के प्लांट्स से उनकी रूट्स उनकी जड़ उसको अवशोषित कर लेती है। क्लियर? एंड जो इसका फिफ्थ पॉइंट है वो है पौधे बढ़ती है ऊपर अल्प वायुमंडल को ठंडा कर उसे पादप वृद्धि के लिए अनुकूल बना सकते हैं। ओके, समझो जो कैनोपी होती है ना, कैनोपी होती है, समझो कैनोपी को हम एक तरीके से वो मान सकते हैं छतरी, जैसे प्लांट से इधर की साइड प्लांट्स हुआ है, इधर की साइड प्लांट्स हुआ है, तो उसके हमने एक तरीके से जो प्लांट से मेन फसल है उसके लिए हमने इधर की साइड में भी, जैसे समझो ये तो अपनी मेन फसल है। ओके, मेन फसल है यहाँ, एंड जैसे ही यहाँ पे हमने कोई से प्लांट्स बोए और दूसरे प्लांट्स इधर की साइड में होंगे राइट लेफ्ट में, लेकिन इनके ऊपर यू छतरी टाइप बनाते हैं वही कैनोपी है। ओके, एंड जैसे ही कैनोपी है उसमें हम पानी की मात्रा देंगे तो इससे जो पानी के लवण्स होंगे वो भी हमारे फसल को प्राप्त होंगे। ओके, अगर फसल को प्राप्त होंगे तो जो डेवलपमेंट होगा फसल का, फसल में पौधे विकास करेंगे वो अच्छे होंगे। ओके, फिफ्थ पॉइंट हो गया, एंड इसका लास्ट पॉइंट है वो है समझो अगर हम कोई भी फसल सॉरी कोई भी खेत है समझो, जैसे प्लांट जैसे ये फील्ड है इसके अंतर्गत जो फील्ड है इसके हमारे को जुताई करनी है, जुताई करनी है हमारे क्योंकि जुताई करेंगे उसके बाद में जो भी हम इसके अंतर्गत बोएंगे उसके बाद में जो बोएंगे अगर जुताई करनी है उससे पहले इसका जो सॉइल है जो इसमें सॉइल है वो बहुत कठोर है। ओके, कठोर होगी सॉइल, मृदा कठोर होगी तो उसमें हम सिंचाई कर देंगे, अगर सिंचाई कर दी तो उसमें वो जो कठोर सॉइल है पानी को अवशोषित कर लेगी, पानी को अवशोषित करेगी, जैसे ही पानी को अवशोषित किया तो ये कठोर मृदा है नरम हो जाएगी। ओके, तो नरम मृदा होगी उसमें हम जुताई आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? यानी इसके जो दस के छह पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब क्लियर है? आज हमने क्या क्या देखा, जो सिंचाई का इंट्रोडक्शन पार्ट था, सिंचाई का इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा है, एंड सिंचाई की परिभाषा। ओके, एंड जो सिंचाई का उद्देश्य थे यानी सिंचाई हम क्यों कर रहे हैं एंड किसकी आवश्यकता है हमारे सिंचाई की, इसको डिस्कस किया। एंड नेक्स्ट क्लास में जो इससे आगे होगा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ध्यान रखना सिंचाई चैप्टर है पूरा समझने वाला चैप्टर। ओके,